हाँ जी परमादनी सजनो, वैसे बाजरा की कटाई ज्यादा ही चल रही है कछु है जी, अब चिंता मत करो बारिश ना आया नहीं, अब तो आराम आराम से कर लियो। थोड़ी सी समय की बात और है, आप सभी से बस यही करवत निवेदन करूंगी, जितने भी श्रोतागण यहाँ बच्चे हैं आराम से मन लाकर ध्यान से सुनेंगे, गौर करिएगा आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है चालानम और कहना भैया जी कैसे। कि राग वही जामे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कितिया वही पति संग चले और पुत्र वही जो पिता के कहे को, किसूर वही जरण से ना हटे और भैया वही जो की बागहे को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो भी पदे परे को। आदरणीय सज्जनों आइएगा चलते हैं ध्यान को उसी जगह पर लगाएंगे समय के अनुसार, गौर करिएगा आज इधर अर्जुन बिल्लाप कर रहा है रो रहा है, भगवान ने समझाया अर्जुन मेरी बात पर ध्यान दे, अर्थ में जवाब दे रहे हैं कि श्याम कहे सुन गांडीव धारी, क्या कहा अरे श्याम कहे सुन गांडीव धारी और ऐसे बचन बखाने है और कोई ना अमर रहा दुनिया में पड़े एक दिन, जानो है, सो मोखे कुनाए चूके दुश्मन, क्या कहा सो मोखे कुनाए चूके दुश्मन और कर दे काम करारो, अरे अर्जुन क्यों हिम्मत हार। आदरणीय सज्जनों आज इधर अर्जुन खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके भगवान को जवाब दे रहे हैं और सुनिएगा किस तरीके से क्या कह रहे हैं। कहा हेरे मेरी गई आत्मा और टूटी कर्म गए, क्यों और फूटी बचे नहीं अर्जी, क्यों दे कई दिना दे कई दिना बताई करेगो तब तक मन की मर्जी, दे कई दिना बताई करेगो तब तक मन की मर्जी। और सुनेगा बड़ी सुंदर बात लिखी दिया कवि ने दो पंक्तियों में और धर्मवीर भैया कवि कह रहा है कैसे, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, क्यों कहना है अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले वो सतयुग पेड़ धरे कैसी, क्यों
जाको छोरा दारू जाको बेटा दारू बाज बनेवा पाप की पार परे कैसे जहाँ राज बहू का चलता है सासु की दाल करे कैसे गौर करिएगा आज इस तरीके से अर्जुन ने जवाब दिया भगवान ने कहा अर्जुन मेरी बात को गौर से सुनिएगा विलाप करने से कुछ नहीं होता अर्जुन ने कहा भगवान आपने सही कहा आप मेरी बात पर ध्यान देना गौर करिएगा आज छंद में रो रो करके अर्जुन जवाब दे रहा है भगवान को और भैया जी कहने लगा कैसे आँखों के आगे सुत गया फूटी मेरी तकदीर है बेटा नजर आता नहीं बंधता न दिल को धीर है जब एक दुख था राज का अब दुख दूना हो गया हेरे लाडले छैया बिना संसार सूना हो गया। लेकिन अर्जुन कहने लगा भगवान कि होना था सो हो गया लीनी प्रतिज्ञा ठान है हेरे कल शाम तक मारू उसे छुपने न दूंगा भान है। आज अर्जुन कहने लगे भगवान मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि संकल्प श्राप को जल नहीं भापे। क्या हुआ? अरे संकल्प श्राप को जल नहीं भापे फिर आंसू ले लियो हाथन में और आंख बरसती दिख रही जाके मुंह से निकली बातन में कि छक्का छूट गए पंडन के। अरे छक्का छूट गए पंडन के गए श्याम सना को खाए और आगे दऊ हाल बताए। आ सजनों आज इधर बिजली कड़कने लगी दसों दिशाएं डोल गई दिग्पाल हिल गए। आज अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहे हैं और सुनिएगा उड़ान किस तरीके से क्या कह रहे हैं जी। सोची पारत ऐसी कहे क्यों कि प्राण में पूरो पारों को कि प्राण में पूरो पारों को याद है
सुनिएगा, उड़ान में ठुमरी लाई जाती है शाम का वक्त और चाचा जी कहना है हाँ ताने सुनो ओहन की मुरली ताने सुनो री सखी ओहन की मुरली ताने ताने सुनो कलिया झूमे छोटे जी जाली देके जा रहे हैं आशीर्वाद कामना करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और कहना है गौर करिएगा कैसे कि प्रण में पूरो पारूंगो कि प्रण में पूरो पारूंगो अरे जो जे धतनाई मरे चिता में बदन पजारूंगो और सुनिएगा मिनट दो एक छोटा सा गाना आदरणीय सज्जनों गौर करना एक समय की बात जब श्रवण कुमार का तीर लग जाता है इधर वो दशरथ अंतिम समय में अपनी सांसें गिन रहे और उस दिन को याद कर करके रोने लगे जिस समय अंधी अंधाओं ने श्राप दिया था आदरणीय सज्जनों गौर करना आज किस तरीके से राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को बता रहे और जो अंधी अंधाओं ने श्राप दिया था वो श्राप कैसे दिया था उस घटना को बताने लगे और चाचा जी कहना है कभी का कैसे फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन निकाली और वो कौन सी थी जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले क्यों भीड़ है कयामत की भीड़ है कयामत की भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं लेकिन कहना है कवि का गौर करिएगा और कहना है कैसे चाचा जी वो अंधी अंधा कहने लगे और क्या मैं पुरस्कार आदरणीय रणधीर चाचा जी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करती हूं क्या कहा लिया ये बदला हो क्या कहा लिया ये बदला तूने कब का देख लिया है क्यों दिया बुझा क्यों मेरे दिया बुझा क्यों मेरे दिया बुझा क्यों मेरे कुल का ये दिया है लिया ये बदला तूने कब का देख लिया है क्यों कहा आज वो राजा दशरथ रो रहे और रानियों से कहने लगे कि मेरी बहन ने जो मुझे श्राप दिया था आज उस श्राप के कारण मैं तड़प रहा हूं आज मैं अपने बेटे राम के लिए
तिल तिल करके मर रहा हूँ। और गौर करिएगा, आंटी अंडा कहने लगे राजा दशरथ से, और कह रहे कैसे, घर से चला था हमको तीरथ कराने को, हो कहा घर से चला था हमको तीरथ कराने को, लेने चल गया था छैया, लेने चल गया था छैया, लेने चल गया था छैया, लेने चल गया था छैया प्यास बुझाने को। और कहने लगे हे राजन, किया जुल्म तूने, हो क्यों हाय किया जुल्म तूने खुद को, किया जुल्म तूने खुद को, कलंकित भी किया है, दिया बुझा क्यों मेरे, दिया बुझा क्यों मेरे, दिया बुझा क्यों मेरे, कुल का ये दिया है, दिया ये बदला तूने। एक दिन वो होगा जो तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पोगे। और कहने लगे भैया जी कैसे, क्यों बेटा बिना हम जिंदा रह नहीं पाए, कहने लगे कमेटी वाले हो मैं के ध्यान दो, पैसे की तरफ कम ध्यान दो, कहना है कहा बेटा बिना हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, क्यों सुति के भी योग में राजा, सुति के भी योग में राजा तेरे प्राण जाएंगे, क्यों कहने लगे हिया हमारा कांपे, हो क्यों अरे हिया हमारा कांपे, हिया हमारा कांपे, तड़पे तेरा हिया है। इधर जब अंधी अंधा उन्हें शराब दे दिया, गाने का निचोड़, राजा दशरथ कह रहा है रानियों से, महलों में जब राजा ने, क्या महलों में जब राजा ने सुनाई कहानी है, महलों में जब राजा ने, क्या सुने करके फिर बोली, सुने करके फिर बोली वो तीनों रानी है, क्या कहा गौर करना और सभी ध्यान करना गाने की तरफ, वो तीनों रानी कह रही है पिया राजा बता दो, कहा अरे पिया बता दो फिर वो, पिया बता दो फिर वो, ये अलंकार की बात है, एक पिया कह रही है पति को और एक पिया जल पीने को कह रही है, कैसे पिया बता दो फिर वो, पिया बता दो फिर वो जल किसने पिया हो, क्यों दिया बुझा क्यों मेरे,
कहा? लिया ये बदला, कब का देख लिया है। राम राम साहब।